सर थोड़ा नहीं और किस तरह खुद अपनी जिम्मेदारी हूँ राजभवन की चढ़ने को ले लेते ना दरख्वास्त है हमारी इन लोगों में से किसी को सर आपको चिंता करने जो है वो मेरी चिंता जी सर परिवारों के पास परिवार के पास गया था और अपनी संवेदना व्यक्त किया और ये उनको भरोसा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन परिवारों को बता दीजिए कि उनके साथ न्याय होगा और उनकी पूरी चिंता की जाएगी। तो मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो आदाब दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोशल मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन वो शब्द नहीं मेरे पास कि जिन शब्दों से मैं इनका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि इनकी वजह से मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंची है। तो दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी, जो एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की है, हालांकि बारामूला तक, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं, और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया और मेरा कल का काम आज किया है। तो अपने लेफ्टिनेंट मनोज सक्सेना जो आ रहे हैं आज, ये तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, सोए हुए भी नहीं सोच सकते थे कि कभी हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा ताकतवर इंसान जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो, आए और हम गरीबों की आके हालात को देखे कि हम एक इस दुनिया की किस हालात में जी रहे हैं। रह गई बात मेरे बच्चों की, बच्चों मेरे का मुझे ये पूरा यकीन है और यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो आपने मनोज सक्सेना साहब आ रहे हैं, मुझे तवक्का है कि जो मेरी फैमिली बची है ये भी उनकी उम्मीद लेके बैठी है कि उनके आने पे इंशाल्लाह कोई अच्छा ही फैसला होगा। और जो मेरे बच्चों के मुर्जिम हैं, मेरी पहले शुरू से दो ही डिमांड थी कि एक तो बच्चों की बॉडी चाहिए, एक बच्चों के जो मुर्जिम हैं जिन्होंने कत्ल किया है, ये कत्ल की बात मैंने पहले तो नहीं बोली, आज मैं खुले लफ्ज़ों से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का कत्ल आज साबित हो चुका है। वो आदमी मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ और अपने मनोज सक्सेना साहब की ताकत की वजह से कि अगर मेहरबानी करके उन बच्चों को, उन आदमी को मुझे दिखाएं तो आपकी बहुत नवाजिश होगी। और बाकी जो गाँव या यहाँ के रहने वाले लोगों की हालात है, वो तो आप इंशाल्लाह रास्ते चलते वक्त देख ही चुकेंगे कि किस हालात में वो जी रहे हैं। तो मेरी यही है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक उम्मीद की किरण J&K के अंदर, ख़ासकर ज़िला रजौरी और कोटरंका में आज मैं पहली बार देख रहा हूं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो कोई जो वो दर्द लेके आए हैं, उस दर्द को इंशाल्लाह वो तादिली से निभाएंगे और उस पर पूरा इत्माद रखेंगे। मुझे ये यकीन है, मुझे ये उम्मीद। साहब का शुक्र इतना शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास वो शब्द नहीं, मेरी वो ज़बान नहीं, मेरा वो चेहरा फेस नहीं कि जिस फेस से मैं उनका ये शुक्रगुजारी का अल्फाज अदा कर सकूँ आप लोगों के सामने। शुक्र, मैं इसी पर ख़त्म इंशाल्लाह। मुझे यह उम्मीद है कि अगर मेरे बच्चों की बॉडी मुझे मिली है, इनकी वजह से मिली है, तो मुझे यह भी उम्मीद है कि जो जिन आदमियों ने यह इन्वॉल्व हो कि मेरे बच्चों को कत्ल किया गया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द उनकी सज़ा भी वो सज़ा होगी कि सज़ाए फांसी होगी, और मैं इन्हें अपनी आँखों से देखूँगा, यह मैं उम्मीद रखता हूँ। आए थे पूरी फैमिली से मिलने के लिए तीनों परिवार, जिनके बच्चे शोपियान में मार दिए गए थे, तीनों परिवार यहाँ पर थे और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है। पहले तो पूरी फैमिली की यही डिमांड थी कि फेयर प्रोब जिस तरीके से चल रहा है, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, तो उसमें उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। दूसरी
एलजी साहब ने खुद अनाउंस किया है कि पूरे परिवार के एक एक सदस्य को जो है वो सरकारी मुलाजमत दी जाएगी और कंपनसेट जो है वो भी किया जाएगा।